हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ होटल स्टाइल मक्खनी पनीर की रेसिपी। आप भी घर बैठे ही बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मक्खनी पनीर। इसके लिए आप रेसिपी को पूरा देखिए और सारे स्टेप फॉलो कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं हम घर पर बैठे ही किस तरह से बना सकते हैं पनीर मक्खनी। तो इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कुछ साबित गर्म मसाले, 1 टेबलस्पून जीरा, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, इसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची जरूर डालें, दालचीनी। जब हमारा ये साबित गर्म मसाला थोड़ा सा चटक जाएगा तब हम आगे के मसाले डालेंगे। तो इसके लिए आगे मैंने लिया है यहाँ पर रफली चॉप्ड किए हुए 3 प्याज, 3 बड़े प्याज और गार्लिक। इसको भी मैंने साबित लिया है, यह रफली चॉप करके ले सकते हैं। 12 से 15 काजू की पीसेस, और इन्हें हमें हल्का भूनना है, हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे लाल नहीं करना है, सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और एक कच्चे ना रहे, कच्चेपन की जो स्मेल है वो निकल जाए। और हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और 3 से 4 बड़े टमाटर। हमने यहाँ पर जितना प्याज लेना है उससे डबल टमाटर लेना है, और उसे भी रफली चॉप करके ही इसमें ऐड करना है। और अब टमाटर को भी हमने सॉफ्ट होने तक इसमें भूनना है। जब टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसे चलाना है। 5 से 10 मिनट लग जाएंगे मसाले को भूनने में। आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर भी पका सकते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम मसाले को ठंडा करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सबको ठंडा होने देंगे। और जब हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद जो हमारा साबित गरम मसाला है जैसे कि तेजपत्ता और बड़ी इलायची, इसको हम निकाल देंगे। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। और इसके बाद ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और पीस के एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए इसमें, जिससे एकदम स्मूथ सा पेस्ट बने। मखनी पनीर है तो हमें इसकी ग्रेवी एकदम मक्खन की तरह बिल्कुल मखनी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें इस पेस्ट को छलनी में छानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ली है एक बाउल के ऊपर एक छलनी रखी है, और इसे अच्छे से छलनी से छान लेंगे जिसमें इसमें कोई भी मसाला ना रहे, कोई भी लम्ब्स ना रहे, ये स्मूथ एकदम स्मूथ पेस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम अच्छे से इसे घोल के एकदम स्मूथ बैटर की तरह तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बिल्कुल बैटर तैयार है। अब हमें इसकी ग्रेवी यानी सब्जी तैयार करनी है। तो अब हमने कढ़ाई में लिया है बटर। आप चाहें तो पूरी तरह से ही इसे बटर में बना सकते हैं। तो मैंने यह आधा बटर और आधा घी लिया है और उन्हें मिक्स कर दिया है, क्योंकि बटर जल जाता है तो हमें इसके साथ घी या ऑयल ऐड करना होता है। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल मसाले ही लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, और यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं कलर के लिए। और इन सबको बटर में अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था स्मूथ सा, उसमें कढ़ाई में इसको ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, घुमा लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इसे उबलने के लिए रख देंगे जिससे अच्छे से पक जाए। और जब हमारा मसाला उबलेगा हमें 10 से 15 मिनट तक के लिए इसे उबलते रहने देना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे शाही पनीर मसाला। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच भुज मसाले का शाही पनीर मसाला इसमें ऐड किया है। ये बहुत ही नेचुरल और टेस्टी मसाले हैं, और आप भी इन मसालों को यूज़ करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अब इस पनीर मखनी की ग्रेवी को और भी मखनी और स्मूथ बटरी बनाने के लिए मैंने यहां पर यूज़ किया है मलाई का। तो यहां मैंने घर का निकला हुआ फ्रेश मलाई यूज़ किया है और उसे अच्छे तरह से फैट लिया है और अपनी ग्रेवी में से ऐड किया है। आप चाहें तो क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी या 1 बाउल भर के मलाई लिया है और इसमें ऐड किया है। और मलाई हम मलाई या क्रीम, फ्रेश क्रीम, जो भी आप इसमें यूज़ करें,
बिल्कुल एंड में ही कीजिए, जब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए, अच्छे से उबल जाए। उसके बाद बस हमें मलाइया क्रीम ऐड करके इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए उबालना है या गर्म करना है और हमारी ये ग्रेवी बनकर तैयार है। और अब हम इसमें एंड में डालेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ मैंने कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट किया है जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, और उसके बाद इसमें कसूरी मेथी को ऐड किया है और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर या चीनी, जिससे इसमें हल्का सा मीठापन आ जाएगा, क्रीमी और मीठापन आ जाएगा, एकदम रिच फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसमें अपने पनीर के पीसेस को काट कर डालते हैं। तो यहाँ मैं आज आपको एक ही ग्रेवी से 2 रेसिपी बनाना बताऊँगी, एक पनीर बटर मसाला और एक मखनी पनीर। तो इसके लिए हम पनीर के पीसेस को स्क्वायर शेप में काट लेंगे कुछ को, और कुछ को ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। और अब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। तो अब हम पनीर मखनी बनाने के लिए इसमें पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर फ्रेश क्रीम को डालेंगे और यहाँ डेकोरेट करेंगे। तो हमारा पनीर मखनी बनकर तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी इसकी हमारी बनी है। और अब इसी ग्रेवी में हम पनीर बटर मसाला बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम लेंगे बटर। तो यहाँ मैंने वाइट बटर लिया है और वाइट बटर में पनीर के पीसेस को हम फ्राई करेंगे या हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और शाही पनीर मसाला। इन मसालों को डाल के हम पनीर को अच्छा सा कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे। पनीर हमने बटर में ही फ्राई करना है, या इसे आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं या बटर में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। एक अच्छा सा इसमें कलर आ जाए इसके बाद इसे निकाल लेंगे और हम अपनी ग्रेवी में, पनीर मक्खी की ग्रेवी में इसे ऐड करेंगे। इन दोनों ही तरह से पनीर डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। तो यहाँ हमने जिस बटर में इसको और मसाले में फ्राई किया था उसी के साथ ही हम इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है, रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ ही आप पराठे या नान के साथ इसे घर पर लच्छा पराठा या नान बनाकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। और एक ही ग्रेवी में हमारा पनीर मखनी भी बनकर तैयार है। इसमें भी हमने पनीर को डाला है और ऊपर से हमने फ्रेश क्रीम से इसे डेकोरेट किया है, या आप घर का फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आगे भी आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे।